गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8 पार्ट 5 हो चुका था, चैप्टर 5 ज्योग्राफी का। अब पार्ट 6 स्टार्ट करना है, जमशेदपुर। अभी हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बैकबोन है। अब हम ये देख रहे हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, जो वो मेन मेन एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। फर्स्ट जमशेदपुर, वेरी ओल्ड स्टील प्लांट। जमशेदपुर जो है बिफोर ब्रिटिशर्स का स्टील प्लांट है, ठीक है, बिफोर ब्रिटिशर्स नहीं, इंडिपेंडेंस के पहले का स्टील प्लांट है, मतलब 1947 से भी पहले ये लगाया गया है। बिफोर 1947 देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेटली ओन्ड मतलब देखो, ये जो है ना, एक इंडियन ने लगाया था, ब्रिटिशर्स के रहते हुए इंडियन ने एक टाटा आयरन स्टील प्लांट लगाया था। अब ये इंडियन कौन थे? जमशेद जी टाटा, रतन टाटा के फादर। बिफोर 1947 ये लगाया था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। देखो, जब इंडिपेंडेंस मिला ना, उसके बाद बहुत सारे स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज लगी, प्लांट्स लगे, पर ये जो है सबसे पुराना है, ठीक है, मतलब ये जो टाटा फैमिली का प्लांट है। अब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री खोलनी थी, कंपनी खोल दी थी, वो तो खोल लिया, आज भी किसी को भी कंपनी बनानी रहती है तो बना देता है। उस टाइम पे कंपनी बनाना, जब ब्रिटिशर्स थे, वो भी सक्सेसफुली अभी तक चलाना एक बहुत बड़ी बात है। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड करखई इन झारखंड। जो इस पेज में आपका नेक्स्ट पेज में मैप है, ये जो मैप है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये करखी रिवर और एक सुबर्णरेखा, जो दो रिवर जोड़ रही हैं, ये करखी रिवर और वो सुबर्णरेखा, ये जो दो रिवर हो रही है, कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है कि जहाँ पर दोनों मेल खा रही हैं। तो इसके यहाँ पे देखो, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, यहाँ पे ये प्लांट है एट साक्षी। अब ये साक्षी एक जगह थी, कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है, नियर जगह थी। अब उसका नाम ना बाद में, जैसे ये स्टील प्लांट खोला तो साक्षी का नाम चेंज करके जमशेदपुर कर दिया गया। ये नियर दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड करखी इन झारखंड, मैंने आपको बताया, जहाँ पे दो रिवर ये मेल खाती हैं, वहाँ पर ये प्लांट खुला था, उस जगह का नाम था साक्षी, उस जगह का नाम चेंज करके जमशेदपुर कर दिया। लेटर जमशेदपुर इज़ दी मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड, लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। देन ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। मोस्ट कन्वीनियंटली मतलब ये जो है बहुत आसानी से चल रहा है। कारण क्या है कि सारे जो फैक्टर्स हैं ना, जैसे हमने पिछले पेजेस में पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी होने चाहिए, कि वहाँ मार्केट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े हैं, तो वो सारे फैक्टर्स फेवरेबल थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको पढ़ाई के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, सारी बुक्स होनी चाहिए, और खाने के लिए फूड स्टफ्स होने चाहिए ताकि हमें कभी भूख लगे तो हम खाना खा लें, वाटर बॉटल होनी चाहिए, एक प्रॉपर टेबल होनी चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए अच्छा, ठीक है। वैसे तो हम पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नोट्स होने चाहिए, वैसे ही इस प्लांट को खोलने के लिए जो जो फेवरेबल चीज़ें ज़रूरत थी, सारी की सारी इधर पे मिल गई, इसलिए ये बहुत सक्सेसफुली वहाँ पे आज तक चल रहा है। वाई दिस प्लेस वॉज सो गुड, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकेशन, जितनी भी फैक्टर्स थे वो सारे फेवरेबल फैक्टर्स थे टिस्को के आसपास, जिस वजह से इतना सक्सेसफुली चल रहा है। साक्षी वॉज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालामती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। अब इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था। अब ये जो साक्षी एक जगह थी, मतलब जिसका नाम जमशेदपुर कर दिया था, ये सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था एक कालामती स्टेशन से, ठीक है, एक रेलवे स्टेशन से, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर उधर पे जमशेदपुर से गुड्स रखा है तो ये रेलवे, वहाँ से ये रेलवे स्टेशन जल्दी पहुँचाए जा सकते हैं, फिर वहाँ से बाहर भेज दिए जाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था। एक्चुअल में देखा होगा आपने, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती हैं, जैसे सतना में बिरला है, तो इनके इंडस्ट्रीज़ में अंदर तक रेलवे पटरी गई हुई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहर से ये लोग भेजते हैं गुड्स, यहाँ से बाहर भेजते हैं और बाहर से रॉ मटेरियल आता है, यहाँ से जब गुड्स बाहर भेजते हैं तो इंडस्ट्री में ही प्लांट के अंदर रेलवे ट्रैक है, उसमें रखवा देते हैं, फिर वो रेलवे इंजन छोड़ के आता है दूसरी जगह से, समझो मैहर जाना है, तो वो रेलवे, ऐसा नहीं कि फिर इनको रेलवे में रखवाने जाना पड़ेगा, वहीं पर इनका रेलवे ट्रैक है, इंजन है, सॉरी बोगी है, उसमें रखवा देते हैं और वहीं से वो रेल रूट के थ्रू मैहर चला जाता है, एग्जाम्पल है ना। तो जैसे बिरला में है अभी रेलवे ट्रैक अंदर तक, वैसे ही टाटा जो प्लांट है इसके अंदर तक, इंडस्ट्री तक रेलवे ट्रैक है,
इट वॉज क्लोज टू दी आयरन ओर, पहले मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, क्यों? क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है नियर 32 किलोमीटर है। इट वॉज क्लोज टू दी आयरन ओर कोल एंड मैगनीज डिपॉजिट एज वेल नोन एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड लार्ज मार्केट। अब जैसे कोई भी गुड्स जो है वो बिकेगा तो उसके लिए मार्केट होना ज़रूरी है ना, कि हम कोई भी गुड्स बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, तो कार बनाने के लिए कार बिकनी भी तो चाहिए, वैसे कस्टमर भी तो होने चाहिए। तो यहाँ पे जो कोलकाता था वो मार्केट था इसका, यहाँ पे आयरन बिकता था। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर कोल एंड मैगनीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड लार्ज मार्केट। पहली बात, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, आयरन ओर कोल मैगनीज, और कोलकाता इसके लिए क्या था, मार्केट था जहाँ पे वो गुड्स सेल कर सकता है। इट गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स एंड आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैगनीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। जो जमशेदपुर का प्लांट है तो ये कहाँ पे कोल कहाँ से लाता था, झारिया कोल फील्ड से, और आयरन ओर कहाँ से लाता था, आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैगनीज। आयरन ओर क्यों, उसमें से क्या आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये कहाँ से लाता था, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। तो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था, ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल था, मार्केट भी अवेलेबल था। द कार्की एंड सुबर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशियंट वाटर सप्लाई, प्रॉपर पानी भी मिल जाता था इन दो रिवर्स से। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, बाद में गवर्नमेंट ने भी अब कुछ इनिशिएटिव्स लिए, क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट था, सपोर्ट कर रहा था पूरी कंट्री को, तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए पहल की इसको डेवलप करने में। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स फॉर सेटअप आफ्टर टिस्को, दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। जमशेदपुर में जो ये टिस्को इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, किस लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, लोकोमोटिव पार्ट्स जैसे इंजन, अब ये इंजन या बोगी, ये इंजन और बोगी लोकोमोटिव होते हैं जो एक दूसरे से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर बोल सकते हो, ठीक है, या अगर आपने देखा होगा जो जो एग्रीकल्चर में कुछ इक्विपमेंट्स हार्वेस्टर वगैरह यूज आता है वो, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई बट आफ्टर टिस्को। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखा होगा आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज आयरन यूज़ करती हैं, आयरन यूज़ करती हैं, इट मींस जैसे अगर ट्रैक्टर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए लोहा यूज़ आता है, कार बनानी है उसके लिए लोहा यूज़ आता है, गेट्स कुछ कुछ लोहे के बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे गेट्स जो बैंक लॉकर्स वगैरह। और देखो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आयरन यूज़ आता है, आयरन और स्टील, ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कैसी हैं, फीडिंग इंडस्ट्रीज, मतलब ये फीडर का काम करती है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन बनाती है आयरन ओर से, फिर ये लोहा सप्लाई करती है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कोई ट्रैक्टर बना रही है कंपनी, ठीक है, तो ट्रैक्टर बना लिए, ट्रैक्टर बनाने के लिए लोहा चाहिए तो वो इनसे लेगी, तो ये फीडर इंडस्ट्री से बैकबोन है, क्योंकि ये ना क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एकदम बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो आयरन स्टील पूरे कंट्री में वो प्रोवाइड कराती हैं दूसरी कंट्रीज़ को, तो दूसरी कंट्रीज़ को भी कहाँ से मिल रहा है, वो कैसे चल रही है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ अगर आयरन वाले गुड्स बनाएंगी तो उनकी वजह से फिर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है ये कंट्री को आगे बढ़ाने में। अब जैसे झारखंड है ना, सॉरी जमशेदपुर, जमशेदपुर के पास जैसे रानीगंज, बोकारो, तो यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आयरन के इक्विपमेंट्स बनाती है, तो ये उनको सप्लाई कर देता है। ऑलमोस्ट ऑल दी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेवली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंशिलरी इंडस्ट्रीज। रोलिंग मिल्स जैसे जो आयरन की शीट बनाती हैं, ठीक है, वो आयरन की शीट अलग अलग जगह यूज़ आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ये इंडस्ट्रीज आयरन लेती हैं फिर उसकी शीट बनाती हैं। और एंशिलरी इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जो रिलेटेड टू आयरन गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कार बोलूँ, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को आयरन चाहिए गुड्स बनाने के लिए। तो हमने इधर पे देखा कैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसने दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए डोर ओपन की है, मतलब कैसे फीडिंग का काम किया, दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो फीड कर रही हैं, खा रही हैं, जैसे रॉ मटेरियल ले रही हैं, वो किससे ले रही हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री से, ठीक है, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो तेज़ी से बढ़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री की वजह से ही बढ़ा, तो ये क्या है, एक बेस है पूरी कंट्री का, सारी इंडस्ट्रीज़ इवन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए इन पर डिपेंड है। थैंक यू, पिट्सबर्ग से हम कल पढ़ेंगे।